तो भाई लोग फिर से आ चुके हैं हम एक और सिटी स्काईलाइन की बेहतरीन वाली एकदम नेक्स्ट लेवल गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग अगर अभी तक तुमने पिछली वाली GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो जाके देख लो, ठीक है। उस पर काफ़ी कम व्यूज हैं तो मतलब ऐसा अच्छा सा ही लगता मुझे अंदर से कि मतलब ऐसा तुम्हारा सपोर्ट नहीं आना किसी वीडियो पर, है ना। मुझे लगता है वो वाली वीडियो यूट्यूब ने किसी के सामने रिकमेंड ही नहीं करी तो ये थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो वीडियो भाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ जाएगा मतलब तुम्हें उसे देख के, है ना। सिटी स्काईलाइन से भाई ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा मज़ा भी आता है GTA 5 वाली वीडियोज़ में, तो एक बार उसे जो जाकर देख लेना। GTA 5 एक्सपेंडेड एनहांस की इससे पिछली वाली वीडियो है, ठीक है, सैटरडे को आई थी वो, इसी सैटरडे को, ये वेडनेसडे को आ रही है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, क्योंकि भाई GTA 5 की वाली जो कहानी है ना भाई एकदम ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब भाई मज़ा ना आ जाए उस कहानी से तो बात नहीं यार, कतई बेहतरीन कहानी है उसकी वीडियो की, वो मतलब ये जो सीरीज चल रही है GTA 5 वाली उसकी। तुम लगा एक बार वीडियो देखी तो भाई ये कहोगे कि रोज उसी की गेम है ना, तो इसे देखना जरूर एक बार GTA 5 वाली वीडियो। खैर अभी हम खेलने वाले सिटी स्काईलाइन, और भाई लोग पिछले वाली वीडियो में हमने अपने शहर में पूरा ऑफिस जोन बना दिया था एकदम बढ़िया करके, ठीक है। और हमने क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर ही बना दिया था, डॉक्टर टावर एक तरह से, भाई वहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है, ठीक है। तो बीमारियों की तो कोई समस्या आने वाली है अपने शहर के अंदर, और ऑफिस जोन भाई हमने एकदम पूरी बढ़िया करके एकदम दूर तक बढ़ा दी थी, एकदम हाई एंड नेक्स्ट लेवल ऑफिस बनने लग गए थे अपने यहाँ पे, और अपना पूरा इलाका भी अभी पॉपुलेट हो चुका है। जो घर अबेंडन होने की मतलब खाली होने की दिक्कत आई थी कुछ टाइम पहले तक, वो अभी नहीं आ रही, क्योंकि हमने ज़्यादातर प्रॉब्लम का तो अल्टीमेट सॉल्यूशन निकाला है, जैसे कि एजुकेशन उनमें से एक है भाई, हमने हेड ऑल कॉलेज बना दिया, जिसे ज़्यादा एजुकेशन चाहिए ज़्यादा लो, कम चाहिए कम लो, जो चाहिए लो, ठीक है, एजुकेशन की प्रॉब्लम खत्म। फिर बात आती है हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तभी हमने हेल्थ केयर के लिए भी एक डॉक्टर टावर बना दिया बहुत बड़ा, तो भी जिसे भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाओ भाई डॉक्टर टावर में, कोई टेंशन नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आज भाई हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाने वाले हैं, कमर्शियल जोन एक्सपेंड करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं हम, बस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद GTA 5 एक्सपेंडेड एंड, और भाई लोग कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अपना शहर, ये भाली भाली साइड पूरी कमर्शियल जोन है, यहाँ से लोग सामान लेते हैं, और ये यहाँ पे रेजिडेंशियल जोन, ये अपना हाई इंटरेस्ट टावर जो कि कुछ ज़्यादा ही हाई है, ये रहा भाई बुर्ज खलीफा का कई सारे बिल्डिंगों के बीच में, है ना। और ये बाकी अपनी ऑफिस जोन आ गई, यहाँ पे ऑफिस बना रखे अलग अलग कंपनियों ने, यहाँ पे ऑफिस जोन थोड़ी सी नाटी हो गई पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, पता नहीं भाई क्या सीन है इनका, है पोल्यूशन है थोड़ा सा, पोल्यूशन भी इतना ही दिख रहा, बेमतलब नाटी करी इन्होंने ऑफिस जोन, ठीक है। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्काई स्क्रैपर है, यहाँ पे नाटी होगी पूरी ऑफिस जोन, खैर जो भी है, और यहाँ पे भी नाटी ऑफिस जोन ही है ना, दो तीन माले गए हैं ऑफिस, वहाँ पे ज़्यादा ऊँचे ऊँचे हैं, यहाँ तक ऑफिस जोन आ गई है। यहाँ पे हमने पुल बना दिया नदी के ऊपर बीच बाच में, ये ऊपर से रेल की लाइन जा रही है जो उधर से आई थी कहीं दूर से शहर के बाहर से, वो यहाँ से होकर रूप जा रही है वो, ठीक है। एक रेल की लाइन यहाँ से इस जगह पे जा रही है, कहाँ जा रही है, ये कहीं और जा रही है कि दूसरे शहर में, है ना। तो रेल की लाइन भी अच्छी खासी कनेक्ट हो गई, यहाँ क्या कहते हैं हाईवे कनेक्ट हो गया जो दूसरा भारत जा रहा है हाईवे उसके साथ, और काफ़ी बेहतरीन हो गया अपना शहर इधर की साइड से। तो लेकिन अभी क्या है, हमें इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कराना है, ये भाई पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, इसे अभी हमें बनाना है, एक्सपेंड कराना है। यहाँ पे दो चार बिल्डिंग ही बची हैं जो कि काइंड ऑफ सरकारी या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे कि कोलोसल ऑर्डर का ऑफिस, ये क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने हेड्रोन कोलाइडर बनाया, तो ये यहाँ उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए बैठे हुए हैं, ये तो हेड्रोन कोलाइडर है ही अपना। ये एयरपोर्ट है, अब भाई बाहर से भी लोग आ सकते हैं इस इलाके में अपने शहर के अंदर, और क्या कहते हैं ये एक्वेरियम वगैरह है, मॉल है। यहाँ पे जब आते हैं ना तो अभी भी ये वाली सड़क आपस में जुड़ी हुई नहीं है दोनों की दोनों, है ना। तो हम क्या करते हैं बीच में से टोल हटा देते हैं, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सब एकदम आसान हो जाए, क्योंकि टोल की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, और पैसे की भी हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, तो इस टोल वाले मायाजाल को हटाते हैं वहाँ से। तो हमने हटाई दिया जो अपना मेन शहर है यहाँ से, यहाँ पहले जितना भी इलाका तुम खाली देख रहे हो ना सारे में टोल फैल रखे थे पहले, लेकिन अभी टैक्स से रिलेटेड में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या है टोल हटाए थे मुसीबत के टाइम, तो टोल बनाए थे हमने। वैसे में भाई ऐसे कोई नफरत वफरत दुश्मनी नहीं है किसी से, पैसा होगा भाई पास तो टोल हट जाएंगे, सिंपल। तो भाई लोग अभी तुम ऑफिस जोन में जो बिल्डिंग अपने सामने देख रहे हो ये है फाउंटेन ऑफ लाइफ एंड डेथ, और ये जो है जो भी लोग यहाँ से निकल के आते जाते रहेंगे उन्हें जीवन के सत्य के बारे में बताएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। कितना सच है वो हमें भी नहीं पता, है ना, लेकिन ये एक फाउंटेन, एक फुहारा जीवन के सत्य के बारे में बताएगा, है ना। पता नहीं क्या कैसा क्या है भाई इस फुहारे के अंदर, ऐसा संस्कृत के श्लोक बहते हैं पानी की जगह, ऐसा क्या है इसमें, खैर जो भी हो हमें क्या। तो भाई लोग अभी चंपकलाल हार्बर पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, यहाँ पे क्या कहते हैं एक तो लॉ एनफोर्समेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, तो भाई जितना भी सामान वामान था वो सारे का सारा चोर उठा कर ले जाए थे, और साथ के साथ में यहाँ पे क्या है आग भी लग रही थी,
और यहाँ पे कचरा भी नहीं उठाया जा रहा था, बिजली पानी भी अवेलेबल नहीं था भाई, कुछ भी था। तो यहाँ चंपकलाल हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे अभी एक तो ये फायर स्टेशन बनवाया है, ये रहा फायर स्टेशन। यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर कोई आग वाग लगे तो ये फायर स्टेशन जो है वो यहाँ पे आग बुझा देगा, ठीक है। उसके बाद में ये एक पुलिस का हेडक्वार्टर बनवाया है, क्योंकि यहाँ पे भाई काफ़ी सारा सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्रिमिनल जो हैं काफ़ी तगड़े लेवल के आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया है। साथ के साथ में ये एक इंसनरेशन प्लांट है, यहाँ ये क्या है, कचरा इकट्ठा करके उसे जला देगा ये प्लांट, तो यहाँ पे कचरे की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और क्या कहते हैं, इसी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जितना भी कचरा होगा वो आराम से सागर सारे लोगों का ठिकाना लग जाएगा। और अभी जो है हमारा हार्बर जो है एकदम सही से काम करने लग गया। हार्बर के सही से काम ना करने की वजह से क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि यहाँ से हार्बर से जो है सामान इम्पोर्ट नहीं हो पाया था, तो सामान इम्पोर्ट नहीं हो रहा था तो यहाँ पे इस रास्ते के थ्रू जा भी नहीं पाया था शहर के अंदर तक, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया तक। और इंडस्ट्रियल एरिया तक सामान नहीं जा पाया था, तो इंडस्ट्रियल एरिया को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया था। और क्या भाई, इंडस्ट्रियल एरिया के सही से काम ना करने की वजह से ये जो कमर्शियल जोन है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि वो उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था तो वो सामान बना नहीं पाए थे, और वो सामान बना नहीं पाए थे तो ये लोग बेचने के लिए इनके पास सामान नहीं था, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और जब दुकानों के पास सामान नहीं था तो लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी अपना घर बार चलाने में। लेकिन अब क्या है, सबकी प्रॉब्लम कई कई सॉल्व हो गई। तो भाई लोग, अभी हमने जो है रेल लाइन को रिकन्स्ट्रक्ट कराया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तो क्या कहते हैं, ये जैसे रेल लाइन आई थी यहाँ पे, है ना, ये रेल लाइन आ रखी थी यहाँ पे, इसके ऊपर ये सड़क जा रही है, नहीं ये दूसरी रेल लाइन जा रही है, इसके ऊपर से होके ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी, है ना, यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्ट हुई थी सारी लाइन ऐसे इस तरीके से। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे ये रेल लाइन जा रही थी आगे यहाँ पे, और फिर उधर से अपने स्टेशन स्टेशन मिल रहे थे। तो यहाँ क्या है, ये रेल लाइन टेढ़ी बिछा रखी थी इन्होंने, ये ऐसे करके जा रही थी ऐसे गोल घूम के, है ना। तो गोल घूम के तो मैं क्या है भाई, अपने स्पेस जा लेती है, उतनी जगह में कुछ बन भी नहीं सकता। तो हमने क्या करा, ये सारी रेल लाइन को जैसे यहाँ से जा रही है तो इसे यहाँ से ऊपर उठा दिया, ठीक है। यहाँ से क्या करा, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये वाला कनेक्शन जो है ये जाता है अंदर दूसरी वाली जगह पर रेल लाइन में कनेक्ट होता है ना, ये वही वाली रेल लाइन है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करा, इसे यहाँ से ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा के यहाँ से पुल के ऊपर से क्रॉस करा के यहाँ से सीधा सीधा ले जा के और यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। ये ऐसे गोल नहीं घूम रही अब, तो इसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, सीधी सीधी एकदम अलाइन सारी चीज़ों के साथ में। उसके साथ में हमने क्या करा, ये जो यहाँ पे रेल लाइन आई थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक रेल का टर्मिनल है यहाँ पे, ट्रेन टर्मिनल है ना। तो हमने क्या करा, जो रेल लाइन यहाँ पे आई थी इसे यहाँ से ऊपर उठाया और यहाँ से हाईवे के ऊपर से ले गए, है ना। फिर यहाँ से उठा के और ये एकदम पूरी हाइट पर ले जा कर ट्रेन लाइन और यहाँ पर ले गए और फिर इसके साथ में मिला दी। तो भी क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है अपना रेल का नेटवर्क, ये यहाँ पे हाईवे के पैरेलल पैरेलल एकदम टॉप पे ये चल रहा है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे सड़कें जा रही हैं जो कि हाईवे से मिला रही हैं इन इंडस्ट्रियल जोन्स को। तो भाई लोग, अभी हमारा शहर दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, हमने एक और नया इंटरसेक्शन बनाया है। ये कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये भाई है जो मतलब मेन रोड जा रही है उसे तो ऐसे ही सीधा निकाल देता है, और यहाँ से जो अपने शहर वाला हाईवे आ रहा है इसे ऐसे करके ऊपर ले जाके और यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ देता है ना। और क्या कहते हैं, अपनी मेन सिटी यहाँ पे है, ये क्या कहते हैं, सामने कमर्शियल जोन, इधर अंदर पूरी रेजिडेंशियल, और पीछे ऑफिस जोन कमर्शियल के साथ में ना, यहाँ पे कमर्शियल उसके पीछे ऑफिस जोन। और क्या कहते हैं, अभी ये वाला हाईवे भी हमने थोड़ा सीधा सा कर दिया। और भाई लोग, जैसे कि बात कर रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या है, रेजिडेंशियल जोन को आगे एक्सपेंड करने का सिस्टम बनाया है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे क्या है भाई, ये यहाँ से हाईवे से आ गए तो यहाँ पे यहाँ से नीचे गए, एक सेकंड में बताता हूँ, यहाँ से नीचे गए और यहाँ घुस गए, है ना। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे जो एग्जिट पहले यहाँ पे था ना घुसने का सिस्टम, वो यहाँ से ख़त्म करके यहाँ कर दिया हमने, क्योंकि ये सड़क हमने आगे बढ़ा दी, पहले यहीं तक की थी सड़क जहाँ तक घर बने हुए हैं। उसके बाद में हमने सड़क बना के क्या करा, आगे इसे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या करा, ये वाली सड़क जो है ये एंड तक जाके एकदम और इस वाली सड़क के अंदर मिल जा रही है, जो पीछे वाली सड़क है पीछे से, ठीक है। इन दोनों सड़क का, इसका इससे पीछे वाली सड़क का जो बीच में कनेक्शन था वो हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, जो अगली सड़क गई इसे हमने मिला दिया पीछे इस राउंड अबाउट से। ये वाली सड़क ऐसे गई, इस राउंड अबाउट से मिल गई, इसके एक एग्जिट पर सड़क है, एक एग्जिट पर हमने ये सड़क अपने आप से बनाई है अलग से, ये इधर जाती है, ठीक है, यहाँ कुछ घर बना देंगे। एक एग्जिट पर क्या कहते हैं, हमने ऐसे ये वाली सड़क ली और इधर मोड़ के ऐसे सबसे आगे वाली गली बना दी, बची बीच वाली गली, तो ये अंदर जाके इस वाले एग्जिट पे मिल जाती है। और यहाँ से क्या कहते हैं,
ये जो पूरा सिस्टम है ये मिलता है हाईवे से, तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है अभी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल जोन है, यहाँ पे आगे भी हम रेजिडेंशियल जोन बनाएंगे लेकिन जमीन अगली वाली वीडियो में बेचेंगे, अभी नहीं बेच रहे हैं ना। और यहाँ क्या कहते हैं, पीछे भी हम जो ऑफिस जोन है इसे एक्सपेंड करेंगे आगे फ्यूचर में, और इंडस्ट्रियल जोन तो है ही भाई, जो भी है इसे भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन बाकी का सब कुछ करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी क्या कहते हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है अपना, और जगह भी हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। ये हाईवे जो है ऐसा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा सा होकर आता है ना, तो भी हमने हाईवे भी एकदम सीधा कर दिया, अभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यहाँ पे जो वो था गोल चक्का सा, वो हमने ख़त्म करके ये लगा दिया, क्योंकि काफ़ी कुछ पिछली वाली वीडियो जैसे ही है, बस यहाँ पे इस बार डेवलपमेंट हुआ है इस इलाके में। यहाँ पे भाई पूरी इंडस्ट्री बन गई, यहाँ पे रेल लाइन भी नहीं गिरी है, यहाँ ये ऐसी ऊंची वाली रेल लाइन है ना, यहाँ पोल्यूशन फैल गया भाई पूरे इलाके में, इसलिए हमने इंडस्ट्री अलग सी को बनाई थी, जिससे कि पोल्यूशन फैले तो फैले भाई, हमारे इलाके को ना ख़राब करें जो अपना रेजिडेंशियल ऑफिस वाले इलाका है, ये शायद साफ सुथरा रहे। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एकदम भर के कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सिटी स्काई लाइन है ना वेडनेसडे को, सॉरी सैटरडे को, सैटरडे को सिटी स्काई लाइन, और जीटी वाली वीडियो यहाँ से देख लेना, फिर से याद दिला रहा हूँ।